बाबा के चरणों की रज पाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दिया। बार बार गरीब ही क्यों ऐसे मामलों में अपनी जान गंवाता है, जो कम पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं और ऐसे समूह में जाते हैं वही बलि चढ़ते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है, अभी तक बाबा पर अपराध दर्ज नहीं हुआ है, बाबा अभी भी फरार है। बाबा पर मुझे नहीं लगता कोई कार्रवाई होगी, कार्रवाई जिन पर होगी उन पर शिकंजा कस रहा है, कुछ लोग गिरफ्तार होंगे, न्यायिक जांच होगी, SIT का गठन हुआ और फिर बात लोग भूल जाएंगे, अगली घटना हो जाएगी। वह बाबा ही क्यों, बाबा जो सूरजपाल था, कभी पुलिस में बताया जाता है या किसी और विभाग में, बाद में वह बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा हो जाता है। भोले बाबा चश्मा लगाता है, सफ़ेद पैंट शर्ट पहनता है और फिर पूरी पूरी नौटंकी है बाबा की, लेकिन बाबा के लाखों लाख भक्त जान देने के लिए तैयार हैं। बाबा का मामला आसाराम सहित तमाम बाबाओं की कड़ी में अब जुड़ता जा रहा है, क्योंकि यौन शोषक ये अभी है, इसके ऊपर इस तरह के अपराध पहले से बताए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 105, 110, 126, 223, 238 के तहत अपराध दर्ज हुआ है। वह बाबा ही क्यों, दिल्ली वाला बाबा क्यों नहीं, यूपी वाला बाबा क्यों नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया क्यों नहीं, कांग्रेस के मुखिया क्यों नहीं, इन बाबाओं को भी शामिल करना चाहिए। दोस्तों मैं ले जाता हूं, 122 मौतों की पुष्टि हुई है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तमाम लोग हैं, बाबा के भक्त हैं और उनके चरणों की धूल पाने के लिए इन लोगों ने अपनी जान गंवा दिया। 80,000 के लिए परमिशन लिया गया था और 2.5 लाख के लगभग भीड़ जमा हुई। बाबा वहाँ से निकला और फरार हो गया। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में DSP रैंक का एक अधिकारी घंटों रहा और फिर 6-7 गाड़ियाँ निकली, एक भाजपा का झंडा लगा हुआ गाड़ी दैनिक भास्कर और अन्य लोग दिखा रहे हैं, जिससे बाबा बैठ करके फरार हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। अब हमने बड़े बाबा की बात किया है, छोटे बाबा की बात किया है, बबुआ जी की बात किया है, बहन जी की बात किया है और दीदी की बात किया है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। दोस्तों हमारा पहले से कहना है, आज भी कह रहा हूँ और इस पर अंतिम दम तक कायम रहूँगा, रैलियों में तमाम लोग मर गए, जितने लोग मरे हैं ना, संख्या कमोबेश वैसी ही हो सकती है, छिटपुट दर्जनों होमगार्ड मर गए, पानी के अभाव में मर गए, भोजन के अभाव में मर गए, हीट वेव से मर गए, हार्ट अटैक हो गया, दरोगा जी उलट गए चले गए, अन्य कर्मचारी चले गए, लेखपाल सेक्रेटरी जैसे कर्मचारी गए होंगे, अगर देखेंगे आप होमगार्डों की संख्या तो बहुत थी। अब रैलियां तो हुजूर करेंगे, मानेंगे नहीं, हमने कहा रैलियां बंद कर दीजिए साहब, साहब देखते। अच्छा एक चीज बताइए, सदन की कार्यवाही आप हम नहीं देख रहे हैं, रील डाल करके अगर नहीं देख रहे हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में देख रहे हैं, सभी ने देखा राहुल गांधी ने क्या बोला, नीट पर क्या बात हुई, अयोध्या के जीते हुए सांसद अवधेश प्रसाद को कैसे उठा करके बताया गया अवधेश, नहीं देखा आपने, सारी चीज़ें देखा, ओम बिरला पर किस तरह के आरोप लगे जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के, आपने नहीं देखा है, तो ये साहब रैलियाँ कर देते तो कौन सा गुनाह हो जाता, डिजिटल रैली, भाइयों मानो डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया क्यों नहीं साकार कर रहे हैं। देखिए मैंने बहुत गाली सुना है, बहुत लोगों ने उलझलूल कहा है, रैली नहीं करेंगे तो करेंगे क्या बेटा, 500 रुपया दे करके रैली में बुलाया गया, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अभी भी दल ऐसे हैं जो स्वतः स्फूर्त आएंगे, नहीं बुलाया जाएगा तब भी आएंगे, लेकिन बहुत से दल ऐसे हैं जिनको जुटाना पड़ा है, 500 रुपया दे करके महिलाएं गई हैं, हम अगर हमारे पर आरोप लगाएंगे तो मैं प्रमाण दे दूंगा, 25-50 वीडियो रिकॉर्डिंग करके दे दूंगा कि 500 रुपया दिए थे, फलाना ले गए थे, कहने में आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं और जो सुन रहे हैं वह भी समझ रहे हैं। भैया सबके घर में TV है, मुसहर बस्ती में भी जाएंगे तो वह भी देख रहे हैं, वह भी देख लेंगे। चलिए अगर नहीं देख रहे हैं तो आप ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर लगा दीजिए, बड़ा सा पर्दा लगा दीजिए, LED लगा दीजिए और वहीं से दिखा दीजिए ना, वहीं नाश्ता वास्ता भी बंटवा दीजिए टुकड़े टुकड़े में, लेकिन लग्जरी गाड़ियों से बसों से लोग ले जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, गाजीपुर में भी मरी हैं,
एक महिला, और अनेकानेक जनपदों में अगर आप देखेंगे तो तमाम मौतें हुई हैं। ऐसे में क्या यह नहीं लगता कि विदेशों की तर्ज पर हमें डिजिटल इंडिया का सूत्रपात करना चाहिए और रैलियों को करना चाहिए? बाबा जय गुरुदेव के कार्यक्रम में भागदड़ मच गई, बनारस में ही तमाम लोग मर गए राजघाट के पुल से। बाबा राम रहीम के बारे में आप जानते ही हैं, कई बार पैरोल और नियमों को ताक पर रख करके, एक बाबा डिब्रूगढ़ में है, तमाम ऐसे बाबा हैं, एकाध बाबा सदन में भी पहुँचे हैं, अभी जेल में ही हैं। ऐसे में यौन शोषण का आरोपी अब नेता लोग बोल नहीं रहे हैं, सबको अपने वोट की चिंता है। और प्रदेश वाले बाबा पहुँचे थे आज, उन्होंने कहा कि ये हादसा नहीं, इसके तह तक जाएंगे। अब भैया बताइए ना, आस्था और संस्कार चैनल पर तो बाबाओं को देख ही लेते हैं ना, बाबा कैसे, एक बाबा दाढ़ी वाले बाबा चक्की चलाते हैं, कपाल भाती, अनुलोम विलोम करते हैं, क्या बाबा घर घर तक पहुँचे हैं? सबने देख ही न लिया है बाबा को, और देख करके सब अपना अनुलोम विलोम करते हैं, कपाल भाती करते हैं और आसन करते हैं। ऐसे में इन रैलियों की और ऐसे प्रवचन की प्रासंगिकता भारत जैसे देश में नहीं होनी चाहिए। उनको समझाना है जो लोग ऐसे हादसों का शिकार होते हैं, ऐसे ठगों के पास जाते हैं। मानव मंगल मिलन सद्भावना समिति, देख लीजिए, हम यदा कदा हम देखते रहते हैं, कई बार गए भी हैं, उसमें भी हमने अच्छी बात कहा है लोगों से, लेकिन ऐसे तमाम संगठन हैं, धार्मिक संगठन, ऐसे तमाम बाबा हैं जिनसे बच करके रहना चाहिए। लेकिन बाबा तेरे चरणों की एक धूल भी मिल जाए फिर तो परिवर्तन हो जाए। कर्मणेवाधिकारस्तु मां फलेश कदाचन, कर्म में विश्वास करने की आवश्यकता। इन बाबाओं के पीछे यदि भगेंगे तो देखिए, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, कोई अंगूठी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। एक जने उदाहरण करता हूँ, उसका धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व है। तो दोस्तों, अब जांच में क्या होगा? जांच में दो दिन तीन दिन चलेगा, ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा, उसके बाद यह मामला समाप्त हो जाएगा। लेकिन इन बाबाओं के साथ, धार्मिक बाबाओं के साथ, राजनीतिक बाबाओं पर और आकाओं पर कब होगा एक्शन, और यह अपने आचरण में परिवर्तन और सुधार कब लाएंगे? यह तभी इनके आचरण में परिवर्तन आएगा जब आप टाइट होंगे, यानी नकेल कसेंगे। नकेल तो आपके पास है और नकेल आप कस नहीं रहे हैं, नकेल कसने की आवश्यकता है। जब नकेल कसेंगे, आप बताइए ना, नामांकन में लंबी लाइन लगेगी, डिजिटल इंडिया है, ट्रेजरी में लंबी लाइन लगेगी, फार्म लेने में लंबी लाइन लगेगी, ऑनलाइन अपराध दर्ज हो रहा है लेकिन नामांकन नहीं होगा, पीट करके आप फैला दिए जाएंगे। ऐसे में 1200 जो सेवादार, 12000 की संख्या में सेवाधार रहे हैं, उसमें पानी की बौछार की गई, भगदड़ मची और फिर गड्ढे में गिरे। एनएच के पास कार्यक्रम लगाया गया था, कुछ पानी में गिर के और उसके पैरों पर, तमाम एक दो घटनाएं ऐसी नहीं हुई हैं दोस्तों, आप देखेंगे इतिहास उठा करके। एक बाबा थाली बांटने में जान ले लिया, लोटा और थाली बांटने में, बड़े बाबा रहे, अब दिवंगत हो गए। तो इन बाबाओं की लंबी फेहरिस्त है। सावधान, अपनी जान यात्री और भक्त अपने जान की सुरक्षा स्वयं करें, बाबा और प्रशासन शासन जिम्मेदार नहीं होगा। बाबाओं से सावधान, चाहे वह धार्मिक बाबा हो चाहे राजनीतिक बाबा हो, बाबाओं से इसका कोई मतलब नहीं है। आपके जान की कीमत कीड़े मकोड़ों जैसी उनके लिए है। यदि आप अपने जान की सुरक्षा नहीं करेंगे तो ऐसे ही मरते रहेंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, इस हाथरस की घटना पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसलिए आपको जगने की आवश्यकता है। प्रणाम।